देखिए क्वेश्चन आप सुने, किसी वस्तु को 48 रुपये में खरीदा गया और 60 रुपये में बेचा गया तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुई, है ना। तो देखिए, खरीदा मतलब क्रय मूल्य, सीपी किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो खरीदा कितने में दोस्तों, 48 में खरीदा, और सेलिंग प्राइस होती है उसकी दोस्तों 60 रुपये। अब 60 में खरीदा, 48 में खरीदा, 60 में बेचा, तो जो प्रॉफिट हुआ इसको लाभ हुआ 10 में से 8 के तो 2 और 5 में 4 के तो 1, 12 रुपये का लाभ हुआ। और ये किस पे हुआ दोस्तों, 48 पे हुआ। अब अपनों को प्रतिशत लाभ निकालना है तो इनटू 100 कर देंगे बटा 1 कर देंगे, 12 36 बार चौके 48 और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 4 पंच 20, 25% का उसको लाभ हो गया, 25% उसको लाभ हो गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो 20% का लाभ, देखो लाभ बराबर 20%, 20 बटा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 20 से काटा 20 पंजे 100, 1 बटा 5, ठीक है। अब यहाँ से लाभ हुआ तो जुड़ेगा, 6 आ गया, 6 बराबर कितना है, 80 आ जाएगा। तो देखो 80, तो 1 बराबर क्या आएगा, देखो 1 बराबर 80 बटा 6 इंटू 100, 100% का मान कितना आ जाएगा, 6 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक, इसको छोटा दो और यहाँ 80 बटा 6 कर दो, तो 2 3 6, 2 4 8 और 4 5 20, 200 बटा 3, तो 3 6 18 और 3 6 18, 6 6 10, उसका क्रय मूल्य कितना था, 6 6 10, 60 करें मिले। थैंक यू दोस्तों।